हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले एक मंथ, छः मंथ, एक साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने, 6 महीने या फिर एक साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे क्या करना चाहिए। तो बात करते हैं टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स कैटेगरी के अंदर आता है और यह काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले एक मंथ में रिटर्न दिया वो दिया है 4.75% का। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में 31.14% का रिटर्न है। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 73.06% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 45.97% का। अब हम लोग NAV के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक NAV का प्राइस है 18.82 रुपये। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 150 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 323 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ रिवार्ड्स आपको देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करें अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,850 रुपये, यानी कि 15.67% ज़्यादा। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 33,885 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 78,959 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1,00,000 रुपये का लमसम किए होते तो 3 महीने में आपका 1,00,000 रुपया 1,05,172 रुपया होता, 6 महीने में आपका 1,00,000 रुपया 1,14,516 रुपया होता और 1 साल में आपका 1,00,000 रुपया 1,73,060 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता REC लिमिटेड फाइनेंशियल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, हैवी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, लुपिन लिमिटेड हेल्थ केयर, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, पॉलीकैप इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सुप्रीम इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल्स, प्रजेस्टेड ई एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे 99.1% और कैश पे है 0.9%। अब इस इक्विटी का अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 24, हेल्थ केयर पे है 17.6, अदर्स 13.2, कैपिटल गुड्स 11.8, कंस्ट्रक्शन 10.3, मेटल एंड माइनिंग 9.1, केमिकल 7.5 और ऑटोमोबाइल पे है 6.4%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 25.75 और PB रेशियो 3.77। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा और अगर आप SIP करते हैं तो मिनिमम 100 रुपये का आपको SIP करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पर आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड का जो फंड रिटर्न है 3 महीने पे 23.4, 6 महीने पे 28, 1 साल में 75.9 और एनुअल है 88.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि अदर इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 1 साल में 54.4 रहता है। तो ये 1 साल में अपने कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है और इंडेक्स म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में टॉप 3 पे ये रैंक करता है। तो अगर आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये फिर ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे।
अगर इसके आसपास आपको इसी तरीके का सिमिलर फंड्स देखना हो तो इसके आसपास इस तरीके का तीन सिमिलर फंड्स है, जो कि है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड लास्ट है एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास तीन सिमिलर फंड्स जो कि अच्छे हैं। इनके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.31% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो टाटा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 14 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 30 जून 1995 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,53,334 करोड़ का। बात करते हैं टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से। शैलेश जैन अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,53,335 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 18.82 रुपया। बात करते हैं टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 150 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। इसके फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।